वो कलाकार अब सिर्फ एक अभिनेता या अभिनेत्री नहीं रहे हैं, उससे ज्यादा बन गए हैं, वो बन गए हैं सुपरस्टार्स। और इन्हीं सुपरस्टार्स को देखकर, इन्हीं से प्रेरणा लेकर न जाने कितने यंग और टैलेंटेड एक्टर्स समाज के कोने कोने से और हमारे देश के बड़े और छोटे शहरों से उठकर आते हैं हमारे माया नगरी मुंबई में अपनी किस्मत को आजमाने। और सभी का यही सपना होता है कि वो अगला अमिताभ बच्चन बने या शाहरुख खान बने, अक्षय कुमार या माधुरी दीक्षित, जिनका बॉलीवुड से कोई ताल्लुक नहीं है, जो सिर्फ अपने हुनर और टैलेंट से आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ये एक प्रतिभाशीलता लोगों के लिए, अपनी प्रतिभा के ये लोग जो थे। पहले थैंक यू वेरी मच हमें ये खिताब देने के लिए, और सबको मैं स्वागत करना चाहूँगा, नए साल की शुभकामनाएं आप सबको। थैंक यू कि आपने वक्त निकाला हमारे शो की प्रेजेंटेशन का हिस्सा बने आप। सो थैंक यू वेरी मच टू मेंबर्स ऑफ द मीडिया फॉर बीइंग हियर, एंड आई विश यू एंड रोहित एंड आई विश यू हैप्पी न्यू ईयर टू यू एंड योर फैमिलीज। आपने पूछा कि ये मिलन या मिश्रण ये कैसे हुआ। आई थिंक ये स्टार प्लस की मिली भगत थी कि हमें एक मंच पे एक साथ ले आए, और बनता भी था क्योंकि शो का जो कॉन्सेप्ट ही कुछ ऐसा था, टू फाइंड न्यू टैलेंट। एंड आई थिंक निर्देशक का काम यही रहता है कि टैलेंट को परखना, जांचना और फिर पेश करना। इसीलिए उन्होंने हमें चुना और हम तहे दिल से इनको शुक्रिया करते हैं, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे की बहुत इज्जत करते हैं। एक फ्रेंडशिप है, एक बॉन्ड है, और अब एक प्रोफेशनल कनेक्शन भी है, तो उसे आगे बढ़ाते हुए हम इस मंच पे आ चुके हैं इंडियाज़ नेक्स्ट सुपरस्टार। और यही कोशिश रहेगी कि वाकई हम इंडस्ट्री को, हम ऑडियंसिस को नए सुपरस्टार्स दे सके। जी, मेरा अगला क्वेश्चन है, आपने दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे बनाया और आपने दिलवाले बनाया, तो इस शो में स्पेसिफिकली कौन ज्यादा दिलवाला होने वाला है? Who's going to be very lenient to the contestants? दोनों किस्म के, मैं दिल वाला हूँ और ये जिगर वाले हैं, तो आई थिंक हमारा कॉम्बिनेशन कमाल का रहेगा। कोई दिल ले आएगा तो कोई जिगर, आई थिंक। और दिल और जिगर का जब एक ही बात होती है लेकिन अलग टर्मिनोलॉजी, तो बेसिकली हम दोनों पैशन ले आ रहे हैं इस मंच पे, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। और लास्ट क्वेश्चन, आप इंडियाज़ नेक्स्ट सुपरस्टार से क्या उम्मीदें रखते हैं? व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम द इंडियाज़ नेक्स्ट सुपरस्टार? मैं अकेला नहीं हूँ इस मंच पे। आप प्लीज इस सवाल का जवाब दीजिए, क्या उम्मीद रखते हैं आप इंडियाज़ नेक्स्ट सुपरस्टार से? क्या उम्मीद रखते हैं हम लोग? वेल, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इंडियाज़ नेक्स्ट सुपरस्टार्स, ये शो जो मैंने और करण ने, हमने हाँ कहा, उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि एक जो फॉर्मेट है कि 20 जो बच्चे पूरे हिंदुस्तान से सेलेक्ट करके हम लाए हैं, और उसके बाद एक पूरा प्रोसेस है। इट्स नॉट जस्ट के सैटरडे संडे हम आएंगे, उनके एड्स देखेंगे, हम जज करेंगे, बट उसके अलावा भी मंडे टू फ्राइडे उनकी ग्रूमिंग कैसे हो रही है ये भी हम ऑडियंस को दिखाएंगे। एंड वो हर ट्रेनिंग से गुजरेंगे, चाहे वो एक्शन हो, चाहे वो डांस हो, एक्टिंग हो, और एक्टिंग में भी हर रस हो, चाहे वो इमोशन हो, कॉमेडी हो, या ड्रामा हो, हर चीज़ में। और अंत में, जैसा आपका सवाल था कि ये सारी चीज़ों का पैकेज ही होगा, क्योंकि एक जिम्मेदारी है हम पे भी कि हम जब इंडिया को अगला सुपरस्टार या अगला एक्टर देंगे, उसमें वो सारी खूबियाँ हों, क्योंकि घर बैठा कोई भी एक एक्टर या एक लड़की या लड़का ये ना सोचे कि हम इनसे बेहतर हो सकते हैं। हमारी कोशिश ये रहेगी कि जो हम ये शो के जरिए दिखाना चाहेंगे उससे वो भी सीखें। थैंक यू सो मच, एंड नाउ लेट्स कम बैक टू द मीडिया क्वेश्चंस। ओके, सो पहला मीडिया क्वेश्चन ये है, एंड ये सारे क्वेश्चंस इनसे ही आए हैं। हाउ डू यू डिफाइन इंडियाज़ नेक्स्ट सुपरस्टार, एंड व्हाट आर द क्वालिटीज दैट यू आर लुकिंग एट? एंड दिस इज कमिंग फ्रॉम सना, इंडियन एक्सप्रेस। So I think qualities you've already you've answered, but how do you define India's next superstars? There she's standing. Hi Sana, it's very difficult to really define superstardom, because like we've said constantly, Rohit and I have just finished a round of media interactions where we spoke about
how do you define a superstar? I mean, if all of us knew the definition of a superstar, we'd have millions of them. Because there isn't a definition, it's a feeling. It's a feeling that an actor, an artist has with an audience, something that is organic. And there's, you don't know why you love Shah Rukh Khan or why you loved Mr. Rajesh Khanna or why you have deep respect and admiration for Mr. Bachchan. It's something, the X factor that they bring to celluloid, that just makes you feel like they're a part of your life. Why do you love Sridevi? Why do you love Madhuri Dixit? Why have you loved Deepika Padukone? Why do you love Alia Bhatt? You love them because they connect with you on a level that you can't express, you can't explain. But I feel the biggest connect of a superstar is that he or she has with you personally. You start engulfing them in your life. Some of you feel they're your lover, some of you feel they're your husband, some of you feel they're your brother, some of you feel they're your father. You know, they have an instant family connect with you, your heart and yourself. And I think that is something that none of us know. Ek hota hai, ek feeling ho jati hai. Jab main audition ko dekhta hoon, kisi artist ka, to mujhe ek feeling aa jati hai ki haan, isme star wali quality hai ya shayad nahi hai. To iski expression, iski explanation nahi hoti. एक फीलिंग होती है।